हेलो फ्रेंड्स, ओम ऑफ ऑसम वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सही सलामत और ठीक होगा। आज मेरा 5वां दिन है क्वारंटाइन सेंटर में, तो आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सारा सब्सक्राइबर है मुझे, आप इतना सब्सक्राइब करते हैं और मेरा वीडियो इतना लोग देखते हैं, तो आप सब मेरा फैमिली है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कुछ कुछ चीज़ आपको शेयर करना मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आप में से कुछ कुछ सोचते होंगे, ये लड़का असके खेल के यूट्यूब वीडियो बनाते रहता है, घूमते रहता है, ये बहुत अमीर होता होगा, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा, मम्मी पापा बहुत धनी होता होगा, ऐसा सोचने वाले भी होता होगा शायद। मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मम्मी पापा बहुत गरीब है, विलेज में रहता है, रोज़ का खाना पीना रोज हर दिन मेहनत करके खेती करके खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ पे जन्म हुआ, मेरा विलेज जब मैं छोटा था वहाँ पे स्कूल नहीं था, मगर मेरा से नेक्स्ट वाला विलेज जायम बगंग है वहाँ पे स्कूल था, अभी भी है। तो उस समय मैं स्कूल 2-3 दिन वहाँ पे पैदल जाके ट्राई किया था, मगर बहुत दूर हो गया था, 2-3 किलोमीटर सुबह पैदल मार मार के जो स्कूल का समय है वो ख़त्म हो जाता था, वो सब पॉसिबल नहीं हुआ। मगर लकीली मेरा दीदी मेरा भैया वो लोग पढ़ाई कर रहा था वो समय, तो उन लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया चेंगताजो में, मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ। इतना अच्छा स्कूल से मेरा स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, मगर जैसे तैसे स्टार्ट किया। इसका सबसे बड़ा आज हो जाता है मेरा दीदी जीजा, अगर बोलो नहीं तो अभी मैं इस समय ऐसा नहीं होता, शायद शादीशुदा होके विलेज में मम्मी पापा का साथ खेती कर रहा होता, बच्चा भी हो गया होता। और भी बहुत अनफॉर्चुनेट की बात यह है कि हमारा विलेज में अभी तक सही रोड कनेक्टिविटी नहीं पहुँचा है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही मोबाइल कनेक्टिविटी है। अगर विलेज में चला जाऊँ तो वहाँ पे अंधेरा में रहने का बराबर है, ना किसी को कॉल कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी है। मगर अभी कुछ 2-3 साल से सोलर लाइट हमारा विलेज में आ चुका है। हमारा विलेज बाकी विलेजेस की तरह अभी तक प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ, अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ, इसका मेन कारण है पॉलिटिकल लीडर्स का करप्शन। इलेक्शन समय में जो हमारा अनपढ़ विलेजर्स है उसको मिथुन कार्ड देते हैं, मिथुन का मीत दे देते हैं, उसके बाद एक एक 2-2 हज़ार आदमी थमा देते हैं वोट मार दो वोट के, जब इलेक्शन ख़त्म वोट ख़त्म जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस तरह हमारा विलेज अनसिविलाइज्ड अनडेवलप्ड ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसके कारण हमारा विलेज में अभी तक ना रोड कनेक्टिविटी है, ना मोबाइल कनेक्टिविटी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, अंधेरा है अभी तक। तो इस तरह गवर्नमेंट के साइड से हमारा विलेजर्स को कुछ मदद नहीं मिलता है, तो रोज़ सर्वाइव करने के लिए, रोज़ का खाना पीना, अपना बेटा बेटों को खिलाने के लिए वो रोज़ मेहनत करते हैं, पानी खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं, और हमारा विलेज में ना ही कोई एनिमल से सपोर्ट मिलता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, ना ही कोई मशीन है, तो अपना मसल पावर से विलेजर्स हमेशा मेहनत करते हैं। तो इस तरह मेरा माँ पिताजी भी मेहनत करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, अभी बहुत एज हो गया, आराम करने का समय है, पर भी आराम नहीं करके रोज़ का खाना पीना मिले इसलिए मेहनत करते रहते हैं। मेरा माँ पिताजी ने इतना बेटा बेटी हमें पैदा किया था ज़माना में ये सोच के कि मेरा बेटा बेटी जब मेरा एज हो जाएगा हमें खेती करने में मदद करेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी ज़माना ऐसा है कि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकते हैं, तो मम्मी पापा को मदद करने की जगह हम अपना एजुकेशन में बिजी हो गया। तो इस तरह मेरा माँ पिताजी हमारा मदद के बिना इतना एज होने के बावजूद भी विलेज में अभी तक मेहनत करके खेती करके कर रहे हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मेरा एजुकेशन कौन करवा रहा है, कौन पैसा दे रहा है? तो ये सब मेरा दीदी देता है, जीजा देता है, बहन देता है, मेरा चाचा चाची देता है, मेरा रिश्तेदार देता है। तो आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैं अमीर लड़का नहीं हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं तो विलेज नहीं जा पाया, मगर मेरा बहन जो रिसेंटली विलेज किया हुआ था, तो मेरा मम्मी पापा को खेती करते हुए पानी खेती उसने कुछ कुछ वीडियो क्लिप बनाया है, क्वालिटी इतना सही नहीं है, तो आप सबको हम दिखाते हैं मेरा मम्मी पापा विलेज में अकेला अकेला कितना मेहनत करते हैं, तो चलो देखते हैं।
Thank you.
में मैं पता ही शादी।